जय श्री कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, जो कि आपका बीएससी जूलॉजी का चैप्टर 4 है, ठीक है, सेमेस्टर 1 का। तो लेट्स स्टार्ट। अब मेटाजोआ क्या होता है? मेटाजोआ आपका जो है, अपने किंगडम एनिमेलिया के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा था कि सब किंगडम्स होते हैं, ठीक है, सब क्लासेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो जो एनिमेलिया का सब किंगडम है उसमें आता है आपका प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है, ये है हमारा फोर्थ चैप्टर। तो प्रोटोजोआ आपका थर्ड चैप्टर है एंड जो फोर्थ चैप्टर है वो है मेटाजोआ। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेटाजोआ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, वो कैसे आया था, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, या हम कह सकते हैं कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो जैसे अब मेटाजोआ क्या है और प्रोटोजोआ में क्या अंतर है, बस आप लोग अभी इतना जान लो कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, एंड जो मेटाजोआ होते हैं वो आपका होते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ क्या है, ये है आपका किंगडम एनिमेलिया के सब किंगडम्स। अब थोड़ा मेटाजोआ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, देयर बॉडी सेल्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एसेंशियल एक्टिविटीज। उनका जो बॉडी सेल्स है वो केपेबल है, ठीक है, कि किसके लिए केपेबल है, फॉर परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल वाइटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है, दिस सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जो मेटाजोआ के सेल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जबकि प्रोटोजोआ में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटोजोआ तो एक यूनिसेलुलर है, वो एक सेल का ही बना हुआ है। बट यहाँ मेटाजोआ मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स है, और वो जो सेल्स है वो आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। दे आर ऑल नॉट सिमिलर बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड एंड हेंस बॉडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सो इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या है कि जो मेटाजोआ के जो सेल्स होते हैं सारे सिमिलर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ प्रोटोजोआ की, मैं आपको कंपैरिजन में इसीलिए बता रही हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मेटाजोआ की, तो जो मेटाजोआ के सेल्स होते हैं वो सारे सिमिलर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए जो मेटाजोअन एनिमल्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है बहुत ज्यादा, उनके जो स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट, सेल स्पेशलाइजेशन इन टर्न लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज इन विच ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू शीट्स और लेयर्स। अब क्या है कि जो सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड है, तो इसके वजह से क्या होता है कि टिश्यू डेवलपमेंट होता है ना, ग्रुप्स ऑफ टिश्यू, सॉरी, ग्रुप्स ऑफ जो सेल्स है वो मिलके टिश्यू डेवलप करते हैं, किसमें, या तो शीट्स में या लेयर्स में। अब मेटाजोन दो तरह के होते हैं, एक तो आपका आता है लोअर मेटाजोन्स। लोअर मेटाजोन्स क्या होता है, उनका जो टिश्यू होता है वो प्रिमिटिव होता है और उनका सेल्स जो है वो लेयर्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। और हायर मेटाजोन्स में क्या है कि जो हायर मेटाजोन्स है उनसे जो टिश्यू है, उनका जो टिश्यू फॉर्म होता है उनसे या तो ऑर्गन बनता है एंड देन उससे ऑर्गन सिस्टम। तो जो प्रोटोजोआ है उसमें भी डिफरेंशिएशन होता है, बट मेटाजोआ में क्या होता है कि बहुत हाईली डिफरेंशिएटेड रहता है, मतलब हाईली एवॉल्व रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सीन इन मेनी प्रोटोजोआ बट इट इज हाईली एवॉल्व इन द मेटाजोन्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी है जो बताती है कि जो मेटाजोआ का ओरिजिन है वो कहाँ कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे तीन थ्योरी के बारे में। तो अब तीन थ्योरी क्या है, थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है इसमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लोगों ने इसको डिनाई कर दिया मानने से, ठीक है, क्यों डिनाई किया अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आया आपका सेंसेशियल सीलिएट थ्योरी, फिर उसके बाद आता है आपका पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन्स ऑफ मेटाजोन। ये जो पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोन है इसका कहना ये है कि दोनों, मतलब जो कोलोनियल और सीलिएट दोनों सही है बट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बस आप लोग इतना जान लो कि मेनली हम लोग को तीन थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहला कोलोनियल फ्लेजलेट थ्योरी, दूसरा है आपका सेंसेशियल सीलिएट थ्योरी,
और दूसरा सॉरी तीसरा है आपका पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन ऑफ मेटाजोन्स। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज आपका कोलोनियल फ्लैजिलेट थ्योरी। तो अब इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को आपका दिया था जर्मन साइंटिस्ट हेकल ने, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और ये थ्योरी क्या कहता है? द मोस्ट प्रिमिटिव मेटाजोअन वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। मतलब कि इनका कहना ये है कि जो आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेटाजोअन्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? वो आपका ओरिजिनेट हुए हैं कोलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से। और इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था? इन्होंने आपका एग्जाम्पल दिया था वोल्वोक्स का। वोल्वोक्स कैसा होता है? वो कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है। और उसमें लोकोमोशन के लिए क्या होता है? फ्लैजिला होता है, यानी कि कॉलोनियल फ्लैजिलेट होते हैं वो, ठीक है, वोल्वोक्स का। तो और जिन्होंने जिन जिन साइंटिस्ट ने आपका इनको सपोर्ट किया था, उन्होंने उन्होंने भी अपना अपना एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि आपका इन्होंने दिया था आपका पेंडोरिना, फिर इन्होंने दिया था आपका प्रोटेरोस्पोंजिया, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि जो आपका प्रिमिटिव मेटाजोअन है वो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम कोलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। और ऐसा क्यों था, ठीक है, कुछ तो बात होगा ना, ऐसे ही थोड़ी कि दे दिया होगा थ्योरी, कुछ तो देखा होगा, ऐसा क्या देखा था, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका वॉल्वॉक्स, ये है आपका पेंडोरिना और ये है आपका प्रोटेरो स्पॉन्जिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं मेटाजोन्स में, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखा वैसे होते हैं मोस्टली स्पर्म होते हैं, तो हमें क्या होता है? फ्लैजेला होता है ये, ठीक है, ये फ्लैजेला टाइप्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए उनका मानना था कि हम लोग मतलब जो मेटाजोन्स वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, वो आपका हुआ है कोलोनियल फ्लैजिलेट से। और दूसरा जो लोअर मेटाजोन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि मोनोसीलियर सेल्स ऑकर विद इन द बॉडी, मतलब कि क्या होता है कि उनका जो लार्वा होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को देख के आपका हेकल ने कहा था कि जो मेटाजोन्स है वो आपका कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? वो ओरिजिनेट हुए हैं आपका फ्रॉम कोलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट सेंसेशियल सीलिएट थ्योरी। बट इसको बढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो इससे पहले वाला आपका थ्योरी था, ठीक है, वो फ्लॉप क्यों हो गया या उसको लोगों ने क्यों नहीं माना? किसको? कोलोनियल फ्लैजिलेट थ्योरी जो था वो क्यों नहीं माना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे आपका हेकल ने क्या कहा था कि हम लोग मतलब जो मेटाजोन्स, हम लोग भी तो मेटाजोन्स ही है, ठीक है। तो मेटाजोन्स किससे ओरिजिनेट हुए हैं? मेटाजोन्स आपका ओरिजिनेट हुए हैं आपका कोलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया था अबाउट वॉल्वॉक्स। बट वॉल्वॉक्स आपका एक ग्रीन एल्गा है, तो ग्रीन एल्गा है तो वो क्या होता है, उनमें सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, और वो जो है एनिमल्स से बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इनको कंट्राडिक्ट भी किया था, तो इसीलिए एक नया थ्योरी आया जिसे हम लोग कहते हैं सेंसेशियल सीलिएट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी कहता है कि आपका जो फर्स्ट मेटाजोन्स जो इवॉल्व हुए थे वो किससे हुए थे? वो हुए थे आपका प्रिमिटिव मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन ऑफ अ सीलिएट टाइप। इनका भी यही कहना है कि प्रोटोजोन से ही हुए थे, लेकिन किससे हुए थे? जिनमें सीलिया पाया जाता था, अब फ्रॉम सीलिया टाइप। और इन्होंने एग्जांपल दिया था आपका पैरामीशियम और ओपेलिना का, ठीक है। और किसने इसको दिया था? इन्होंने इसको दिया था आपका हेडजी ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका फर्स्ट मेटाजोन है वो कहाँ से इवॉल्व होके आया है? वो आपका इवॉल्व होके आया है फ्रॉम मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन ऑफ अ सीलिया टाइप। और एग्जाम्पल्स में इन्होंने क्या दिया था? पैरामीशियम और ओपेलिना, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि जो ये एनिमल्स होते हैं वो ये एनिमल सेंसेशियल इन नेचर होते हैं, मतलब क्या कि इनमें जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो होता है बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, सिर्फ क्या डिवाइड करता है? आपका न्यूक्लियर, ठीक है। इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म
develop boundary cell membrane between nuclei, and in course of time metazoans have developed from this ciliated protozoans. अब इनका क्या कहना है कि जब evolution चल रहा था, मतलब वो evolve हो रहे थे, तो क्या हो रहा था कि cytoplasm तो divide नहीं कर रहा था, तो ये जो cytoplasm है उन्होंने क्या बना दिया, एक boundary बना दिया, ठीक है, cell membrane का, किसमें, nuclei के बीच में, और उसी टाइम में क्या हुआ कि जो मेटाजोन्स है वो डेवलप हो गए. अब जो इनके मानना था कि जो फर्स्ट एवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है आफ्टर जो सेलुलराइजेशन, सेलुलराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनना, ठीक है, तो सेलुलराइजेशन के पास जो फर्स्ट एवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है वो आपका है एसीएल टर्बुलेरियंस, मतलब कि फ्लैटवर्म एसीएल जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो ये है आपका सिंसेशियल सीलिएट थ्योरी. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट थ्योरी. नेक्स्ट थ्योरी जाने से पहले आपको यह डायग्राम देख लेना चाहिए, तब आपको और क्लियर हो गया हो जाएगा, ठीक है. जैसे ये देखो आप, ये क्या है आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड सीलिएट, देखो ये न्यूक्लिया है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सीलिएट है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सीलिएट है, और ये सीलिया है, ठीक है, ये सारे सीलियस है. अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, बट जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसी से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर दैट आपका जो मेटाजोन है वो इवॉल्व होकर आते हैं. आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे अबाउट द नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी. इससे ज्यादा आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में इन मतलब ओरिजिन ऑफ मेटाजोन से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है. आपका मेन यही पूछता था कि जो थ्योरी है वो मतलब क्यों लोगों ने नहीं माना, या सेंसेशियल थ्योरी क्यों आया, ठीक है. ये थ्योरी से ही आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन तीन थ्योरी से. तो आप अगर ये तीन थ्योरी आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसके आगे आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. वैसे कि मैं SPPU की स्टूडेंट हूँ, यानी कि सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, तो मैं आपको उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ. बट अगर आप कोई ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे CBCS 2019 का पैटर्न चल रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है. क्योंकि हमारे भी कॉलेज में अभी, जबकि मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो हमारे कॉलेज में अभी जो BSc का पैटर्न चल रहा है वो यही है CBCS 2019 का पैटर्न. तो अगर आपके भी कॉलेज में चल रहा है, तो आपको जो ये वीडियो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है. तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट थ्योरी. नेक्स्ट थ्योरी आपका क्या है, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स. तो पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोन क्या है, कि जब मैं आपको तीनों थ्योरी के बारे में बता रही थी, तब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दिया था हर एक थ्योरी का, ठीक है. तो पॉलीफाइलेटिक क्या है, कि इनका ये मानना है कि कोई भी एक थ्योरी या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से वो एवॉल्व, इतने सारे जो मेटाजोन्स है वो एक ही कोई ऑर्गेनिज्म से या एक ही कोई प्रोटोजोन से एवॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है. सारे एवॉल्व हुए हैं ऑब्वियसली प्रोटोजोन से, बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोन्स, मतलब कि कुछ शायद कोलोनियल फ्लैजेलेट्स से एवॉल्व हुए हैं, ठीक है, कोई आपका सीलिएट से एवॉल्व होके आए हैं, इनका मानना ये है. तो इनमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स. मतलब किसी ने कहा है कि ये ऑर्गेनिज्म या ये मेटाजोन्स आपका इवॉल्व होके आया है फ्रॉम कोलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी, और किन्हीं का मानना है. तो इनमें बहुत सारा है, ठीक है, मैंने बस आपको चार पांच ही इसमें बताया है, जो कि मोर देन एनफ है, ठीक है, ताकि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े. क्योंकि क्या होता है ना कि बीएससी का जो बुक होता है, फर्स्ट ईयर का मैं बात कर रही हूँ, जो टेक्स्ट बुक अगर आपके जो कॉलेज से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हमारे कॉलेज में जिनको प्रोवाइड किया गया है, तो क्या होता है कि उन्हें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दे दी होती है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप में होती है, ठीक है, तो समझ नहीं आता है, लगता क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है. इसीलिए तो उसी चीज को मैं थोड़ा इजी वे में लेके आई हूँ आप लोग के लिए. अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे, मेरे नोट्स देखोगे, तो इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है. तो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स. इन्होंने दिया था आपका ग्रीनबर्ग ने इन 1959. इन्होंने क्या कहा था, मेटाजोन्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू एंसेस्टर्स. मतलब जो मेटाजोन्स है उनके सिर्फ कोई एक ही एंसेस्टर्स नहीं, उनके दो एंसेस्टर्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था. जैसे कि आपको जो स्पॉन्जेस एंड निडेरियंस है, वो आपका सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं किससे, फ्रॉम कोलोनियल फ्लैजेलेट्स से, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी कहा था. कि किसी किसी का मानना है कि बहुत सारे
आपका जो मेटाजोअन्स है वो कोलोनियल फ्लैजेलेट्स हुए हैं, और बहुत सारे जो मेटाजोअन्स है वो आपका सीलिएट्स से हुए हैं। तो इनका मानना ये है कि जो स्पॉन्जेस एंड निडेरियंस है वो किससे हुए, आपका कोलोनियल फ्लैजेलेट्स से। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनका मानना ये है जो टीनोफोर्स एंड फ्लैटवर्म्स है वो आपका सीलिएट्स से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अबाउट नेक्स्ट साइंटिस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक ये भी दे दिया है फ्लो चार्ट, वहां से आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड है आपका नूरजल, जिन्होंने दिया था 1962 में। अब इनका क्या मानना था, डिफरेंट मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट फाइला हैव एवॉल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम डिफरेंट प्रोटिस्टर्स। अब जितने भी इनवर्टिब्रेट है, मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स है, जितने भी मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स है, वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोटिस्टर्स। जैसे कि आपका पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, या जो प्लेटीहेलमिंथस है, ये सारे आपका किससे हुए, प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका हिंसन। हिंसन ने क्या कहा था, कोलोनियल एमोबॉइड फ्रॉम विच इज कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ निडेरियंस एंड प्लेटीहेलमिंथस इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंसेशियल सीलियट्स। मतलब इनका मानना यह है कि जो कोलोनियल एमिबॉयड है, जो कि कंसिडर किया जाता है जो एंसेस्टर्स से निडेरियंस का, और जो प्लेटीहेलमिंथस है वो किससे आपका डिराइव हुआ है, फ्रॉम सेंसेशियल सीलियट्स से। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट है आपका हेंसन एंड स्ले। तो इनका मानना क्या है, स्पॉन्जेस एंड निडेरियंस हैव इवॉल्व सेपरेटली फ्रॉम फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टस एंड अदर ग्रुप सीलियट्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्लैजिलेट प्रोटिस्टस एंड सीलियट्स हैव गिवन राइज टू ACL platyhelminthes and other metazoans phyla have evolved from ACL metazoans। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखो ये वाला, इसको आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, ठीक है, जो मैंने लिखा। अब ये डायग्राम देखो आपको समझ आ जाएगा। तो इनका क्या मानना है कि जो फ्लैजलेट्स हैं, इन फ्लैजलेट्स आपका क्या आया, स्पॉन्जेस आया, ठीक है, इसी से आपका निडेरियंस आया, और ये फ्लैजलेट्स से ही आपका जो सीलियट्स है उससे आपका ACL platyhelminthes हुआ है, और जो अदर metazoans phylum है, ठीक है, वो आपका क्या है, ACL, मतलब जिसमें सीलोम नहीं, जैसे आपका हो गया प्लेटीहेलमिंथस, ठीक है, उससे आपका इवॉल्व हुआ है, कौन, ACL से आपका इवॉल्व हुआ है अदर मेटाजोअन फाइलम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाजोआ, जो कि एक लास्ट टॉपिक है कि मेटाजोआ इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके बीएससी में, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे मेटाजोआ आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स एनिमल विच इंक्लूड्स पॉलीफेरा टू एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, तो मेटाजोआ कैसे एनिमल होते हैं, आपका मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, जिनमें पॉलीफेरा से एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स सारे एनिमल्स आपके आ जाते हैं। Over 1.5 million living animal species have been described, of which 1 million are insect, but it has been estimated that there are 7 million species in total. अब total कितने species हैं animals के, 7 million, जिसमें कि 1.5 million अभी तक describe किए गए हैं, और जो बाकी का आपका बचा हुआ है 5.5 million वो अभी भी unknown है। ठीक है, वो अभी भी processing में, वो अभी भी चल रहा है। और ये जो 1.5 मिलियन लिविंग स्पीसीज है, एनिमल लिविंग स्पीसीज है, इनमें से 1 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के स्पीसीज है। ठीक है, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो मेटाजोअन्स का कितना बड़ा रोल है हमारे नेचर में। अब नेक्स्ट, मेटाजोअन्स हैव कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट, फॉर्मिंग इंट्रिकेट फूड वेब्स। ह्यूमंस मेक यूज ऑफ मेनी अदर एनिमल स्पीसीज फॉर फूड, इंक्लूडिंग मीट, मिल्क एंड एग्स, फिश, crustaceans like crabs, prawns, lobsters, insects, molluscs, mammals and birds are used as food by man. Mammals are a large part of livestock raised to meat across the world. Terrestrial and aquatic animals are hunted for sports. Earthworms are used for vermicompost. Thus, all animals are useful for man and nature. तो इससे आपको पता लग सकता है कि हम लोग एक दूसरे से connected हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हमारे लिए भी यूजफुल है और हम भी इंसेक्ट्स के लिए यूजफुल है। तो और हम लोग सबको किस में आते हैं, आपके मेटाजोन्स में। तो इससे आपको पता चल सकता है कि जो मेटाजोआ है वो
कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, मैन के लाइफ में भी और नेचर के भी लाइफ में भी। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और रहा बात थ्योरी से रिलेटेड, तो आपको बुक में बहुत डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज मिलेंगी, बट सारे थ्योरीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बस उन्होंने क्या किया, नेम चेंज कर करके 5-6 थ्योरीज दे दिया है। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप SPPU का भी जो टेक्स्ट बुक है उसको अगर आप उठा के देखते हो फर्स्ट ईयर सेम वन का, उसमें भी आपको शायद 5-6 थ्योरी मिल जाएंगे, बट इतना पढ़ना नहीं है। इसमें मेन आपको 3 ही थ्योरी पढ़ना है, और इस 3 थ्योरी को ही अच्छे से आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्योंकि ये 3 थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।